هلا اجا الزعيم العظيم. السلام عليكم جايز، ويلكم باك تو ماي يوتيوب شانل. ابي ہم لوگ کہاں ہیں؟ کنڈولا یار تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیٹس سی. کافی مزہ آنے والا ہے، تو ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا. آپ لوگ ہمیشہ اسکپ کر دیتے ہو، بولتے پکا رہا ہے بہت زیادہ. تو اس بار پکاؤں گا نہیں، کوشش کروں گا اچھی سے اچھا دکھا سکوں. تو لیٹس سی. تو بھائی گائز یہ دیکھیں، یہ حیدرآباد پیلی، آپ نے سنا ہوگا نام، اس کی پیلی نہر ہے، تیسری نہر ہے یہ، سوری تیسری ہے بھائی، یہ پیلی نہیں ہے، غلطی. حضرت میں اتنا پانی ہے، انسان ڈوب کے مر سکتا ہے آرام سے. تو ابھی آپ کو دکھا دیں کیسا ہے، ابھی اچھا بنا ہوا ہے، دیر تک کلاس کر لیا ہم نے، یہ دکھائیں گے باہر. کیا کر رہا ہے ابھی آپ لوگوں کو ہم باغات دکھاتے ہیں آم کے، اچھے اچھے سے کھلاؤں گا. نہیں خرابی کری نا، کھلا بھی دیں گے اگر پیار دو گے. نیت خرابی کری نا، ہاں میرے چینل کو سبسکرائب کرو گے، میری ویڈیوز وائرل کرو گے، تو آم کیا تمہیں آم کا باغ کھلائیں گے. تمہیں آم کی اوقات کیا ہے، تمہیں آم کا باغ کھلائیں گے، تمہیں آم کا آم کے باغات دکھاتا ہوں. ہائے ہائے ہائے، سکون ہے یار، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے. اب میں سوچ رہا ہوں ٹیوب ویل چلے آؤں یہاں سے، ٹک بنا لیتے ہیں ہم، ٹک ٹاک بنا لیتے ہیں، ہم ٹک ٹاک بنانے آ رہے ہیں. بھائی بھائی میرے چینل کو سبسکرائب کرو گے نا، یہ والا دکھ رہا ہے ذرا.
दिख रहा है ना जी, मैं इसे आम तोड़ के खिलाऊंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बगैर सब्सक्राइब करें नियत खराबी दिखाई ना बावली की तो आज बोलिए खिलाऊंगा मैं गोबर में देखे यार। आप लोग मेरे फैंस हैं, मैं आपकी फैंस से रिस्पेक्ट करता हूँ, करता रहूँगा, बहुत कुछ करूँगा, लेकिन अभी टिकटॉक बनाऊँगा। बाय बाय। बोरिंग का पानी मज़ा नहीं है, मैं पी रही हूँ। अबे दोस्तों, हम अपनी लोकेशन पे पहुँच चुके हैं जहाँ हमें आना है। यह ओताक आपको ये बैक कैमरा से दिखा दूँ। दोस्तों, अभी जिन रास्तों पर से हम होते हुए आए, हैदराबाद से टंडोला यार का जो सफ़र किया, इसके दरमियान में छोटे छोटे गांव यानी डेथा, राहुकी, किसाना मोरी, रशदाबाद, टंडो जाम को क्रॉस करते हुए हम लोग हैदराबाद ये टंडोला यार पहुँचे। ये इलाका बिलखसूस टंडोला यार का इलाका बहुत कदीम इलाका है, यानी कि पाकिस्तान बनने से भी पहले का है। यहाँ पर जो लोग नाव 90% लोग यहाँ पर मुकामी हैं, यानी हिजरत करके नहीं आए। यहाँ बड़े बड़े ज़मींदार हैं। यहाँ का फल जिनमें बिलखसूस आम पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, यहाँ का आम सिंधड़ी आम, यहाँ का सिंधड़ी, यहाँ का अनवर टोल, ये इंतहाई मकबूल है। रास्ते में हम टंडो जाम क्रॉस करते हुए जब हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पहुँचे तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वो भी बहुत कदीम है। इस यूनिवर्सिटी की वजह से पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने में बहुत मदद मिली है। ये रास्ता टंडोला यार में आके तो हम लोगों ने ब्रेक कर लिया है, लेकिन ये रास्ता आगे मीरपुर खास, इस्लाम कोट, मिट्टी से होता हुआ ज़ीरो पॉइंट पर पहुँचता है, यानी ज़ीरो पॉइंट वो इलाका जहाँ पाकिस्तान की आखिरी सरहद है। गुज़िश्ता आदवार में लोग यहाँ से इंडिया जाया करते थे, लेकिन जब से दो तीन साल से अब ये रास्ता बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो कुछ नाचाकी की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की वजह से अभी रास्ते दोनों ब्लॉक कर दिए गए। जब यहाँ से निकलते हैं, यानी कि ज़ीरो पॉइंट से निकल के जब हम इंडिया की हदूद में दाखिल होंगे तो मोना बाव का इलाका है। मोना बाव, ये मोना बाव शहर राजस्थान सूबा राजस्थान का एक शहर है। समझ लें कि इंडिया यहाँ से शुरू होगा और यहाँ ज़ीरो पॉइंट पर पाकिस्तान का बॉर्डर है और इंडिया का बॉर्डर मोना बाव से शुरू होगा, यानी कि। लेकिन बहुत तो अच्छा इलाका है यहाँ पर, ये जो टंडोला यार का इलाका। यहाँ के रहने वाले बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। पीपल्स पार्टी के MNA भी यहाँ से मुंतखब हुए हैं। यहाँ पर एक कदीम दारुल उलूम है, एहतरामुल हक एहतशामुल हक थानवी का, थानवी साहब वालों का मदरसा यहाँ पर मौजूद है। वो बहुत तकरीबन कोई 17 एकड़ पर फैला हुआ रकबा है। ये कदीम जमा काफ़ी अरसे से लोग बड़े बड़े यहाँ पर जैद उलमा के यहाँ से पढ़कर निकले हैं। तो यहाँ पर मौलाना तारिक जमील साहब भी तशरीफ़ लाए हैं और दीगर बड़े बड़े उलमा कराम यहाँ से पढ़कर निकले हैं। इन इलाकों में जब आकर देखते हैं तो कम अज़ कम पाकिस्तान की सकाफत याद आती है कि पाकिस्तान की सकाफत है क्या। जैसे पंजाब के कुछ इलाकों, गाँव गोट में जब हम जाते हैं तो वहाँ जाकर पाकिस्तान की सकाफत रह गई है, या जैसे इन इलाकों अंदरून से इंटीरियर में आए तब हमको पता चलता है पाकिस्तान की सकाफत है क्या। अदरवाइज़ दीगर जब हम सिटीज़ में जाते हैं, बड़े बड़े जैसे हैदराबाद है, कराची है, इन लोगों में इन इलाकों में जाते हैं तो वहाँ से तो समझ लो पाकिस्तान की सकाफत बिल्कुल नापैद हो चुकी है। यहाँ पर पाकिस्तान का कल्चर फिर भी दिखाई देता है कि हमारी अजदाद, हमारे बुजुर्गान दीन और हमारे असलाफ क्या थे, लेकिन अब यहाँ से तो बिल्कुल नापैद हो चुकी है शहरों में से, लेकिन फिर भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ वो मोहब्बतें हैं, यहाँ वो मेहमान नवाजियाँ हैं, यहाँ वो कुदरती आबो हवा है, यहाँ पर कुदरती ग़ज़ाएँ हैं। तो यही वजह है कि यहाँ के लोग
जो ना तंदुरुस्त तवाना भी रहते हैं और इनमें आपस में खुश अखलाक लोग भी हैं। दौरान सफ़र जब रास्ते में हमने लोजाम क्रास किया था यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी क्रास की थी, तो उसके बाद एक किसान मोरी एक छोटा सा गांव है आजकल, वहाँ पर एक किसान मोरी वाटर पार्क के नाम से तफरी का मकान बनाया हुआ है। अब यहाँ से फिर हम वापसी का सफ़र शुरू करेंगे, तो जो रास्ते में जो जो मकाम आएंगे तो इंशाल्लाह उसको भी आपको थोड़ा सा गाइड करते हुए चलेंगे ना। चलो ठीक है, ओके।